हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रेडिक्शन लेकर आया हूं 30th November IELTS एग्जाम की। सो अगर आपका भी एग्जाम है उस दिन, देन मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल मेंशन सम इम्पॉर्टेंट राइटिंग टास्क 1 and 2 स्टेटमेंट्स, और साथ ही आपको रीडिंग पैसेजेस के नेम्स भी बताऊंगा जिसमें से आपको एग्जाम रिपीट होते हुए देखने को मिल सकता है। इवन इन प्रीवियस एग्जाम राइटिंग टास्क गॉट रिपीटेड फ्रॉम माई बुक ओनली, सेम एज इट इज विद सैम्पल आंसर मैंने ये प्रोवाइड कर रखा था। टास्क 2 आपको डिस्कस बोथ विज गिवर ओपिनियन टाइप क्वेश्चन आया, वर्क रिलेटेड जैसे मैंने प्रेडिक्शन में डिस्कस किया था। टास्क 1 कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वाला आपको प्रोसेस डायग्राम देखने को मिला। लेट सी कि इस बार आपको कौन से टॉपिक्स रिपीट हो सकते हैं। सबसे पहले अकेडमिक स्टूडेंट्स की बात करेंगे, उसके बाद मैं GT की भी डिस्कशन करूंगा। टास्क 1 में आपको टेबल चार्ट, लाइन एंड बार, इन तीनों में से एक आने की प्रॉबिबिलिटी हाई है। आपने फोकस करना है टेबल चार्ट एंड लाइन चार्ट के ऊपर। ऐसे की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड डिस्कस बोथ विज गिवर ओपिनियन, इन तीनों में से एक क्वेश्चन टाइप आ सकती है। मेन फोकस आपका एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड डायरेक्ट क्वेश्चन पे होना चाहिए। कौन से टॉपिक्स आप कवर करेंगे इसमें, आपका मीडिया टॉप पर रहेगा। मीडिया में आपके आते हैं न्यूज़पेपर, न्यूज़, डिजिटल और प्रिंटेड, इनका कंपैरिजन हो सकता है, या फिर रोल मॉडल्स, सेलिब्रिटीज़, उसके रिलेटेड आपका हो सकता है। सो जो भी आपके मीडिया आते हैं, टेलीविजन, इंटरनेट, उसके बीच में कंपैरिजन हो सकता है। फैमिली एंड चिल्ड्रन आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसमें आएगा कि पेरेंट्स का क्या रोल है चिल्ड्रन की अपब्रिंगिंग में। अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स, उनका ध्यान रख सकते हैं, या फिर रूल्स बनाने चाहिए पेरेंट्स को बच्चों के लिए या नहीं। थर्ड टॉपिक वुड बी एजुकेशन। इसमें आपका यूनिवर्सिटी फीस पे आ सकता है, सब्जेक्ट्स के रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। दीज आर दी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बुक में से अपनी मैंने यहाँ से दिए हैं आपको इस प्रेडिक्शन में 4-5 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम, बाकी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। आपने इनको ज़रूर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बुक से मैंने जो टॉपिक दिए हैं आपको, वो आपका ये वाला रहेगा एक, तो दिस वन, या नाउ डेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज आर इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला है। उसके बाद बुक में से मैंने आपको ये वाला दिया है, नाउ डेज यंग पीपल आर एडमायरिंग मीडिया एंड स्पोर्ट्स स्टार्स, जबकि वो अच्छी एग्जाम्पल सेट नहीं करते हैं, देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट टाइप क्वेश्चन। उसके बाद अगर बात करूं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे दिस वन, या मैनी डिफरेंट कंट्रीज हैव मैनी शॉप्स एंड प्रोडक्ट्स सेम है, सो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डिस्कस बोथ विज योर ओपिनियन। और आगे चलें तो आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, रेडियो एंड टेलीविजन का जो कंपेरिजन है, डिस्कस बोथ विज योर ओपिनियन टाइप क्वेश्चन। और लास्ट वन में आपका आ जाएगा टूरिज्म रिलेटेड क्वेश्चन, मैंने आपको यहाँ पे बताया था दिस वन, मोस्ट कंट्रीज बिलीव दैट इंटरनेशनल टूरिज्म हैज हार्मफुल इफेक्ट्स, सो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन टाइप क्वेश्चन है। टूरिज्म वाला क्वेश्चन काफ़ी टाइम से नहीं आया, सो 2 मैंने यहाँ पे दिए आपको। ट्रैवल करने की जरूरत है अब्रॉड या नहीं, TV इंटरनेट से सीख सकते हैं। सो दीज आर योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम माय बुक, जो बुक में से मैंने डाले हैं। बाकी आपको अगर एग्जैक्ट सेम बुक चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको जल्द ही प्रोवाइड करूंगा। आपको तीनों बुक्स साथ में मिलेंगी, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग। एंड अगर आप पिछले 6-7 एग्जाम उठा के देखें तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग तीनों आपको मेरी बुक्स में से आई हैं। जो आपका 2nd November एग्जाम हुआ है, 7th November हुआ है, लिसनिंग पार्ट 1 and 3 वहीं से आया था, रीडिंग पैसेज 3 इसी बुक में से आए थे, और ओपनली मैंने प्रेडिक्शन में भी दिए थे रीडिंग टॉपिक। तो सो होपफुली अगले एग्जाम में भी आपको जरूर देखने को मिलेंगे। टास्क 1 की अगर हम बात करें तो आपको टेबल चार्ट, लाइन एंड बार यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं। बुक में से अगेन मैंने 3-4 क्वेश्चन डाले हैं यहाँ पे। इसमें आपका ये वाला क्वेश्चन रहेगा, लेट मी टेल यू दिस वन, सॉल्ट इनटेक वाला, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दिस क्वेश्चन, ये टेबल है आपका। उसके बाद अगर चलें तो कंजम्पशन ऑफ पोटैटोज, दिस अगेन अ टेबल चार्ट, राइट। सो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइटिंग टास्क 1, इनको आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है। बात करें अगर आपकी रीडिंग मॉड्यूल की, सो रीडिंग मॉड्यूल में आपको एवरेज रहेगी रीडिंग, ठीक है, इजी टू मॉडरेट आएगा एग्जाम आपका 30th November वाला। पैसेज 1 में ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, मे बी आपको मैचिंग टाइप क्वेश्चन इस बार शायद देखने को मिले। पैसेज 2 की बात करें तो आपका विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रहेगा, लिस्ट ऑफ पीपल मैच करनी होंगी, या फिर मल्टीपल MCQ मीन्स 3 out of 5 चूज करने होंगे। 3-4 साथ में ब्लैंक्स रहेंगी, ज़रूर रहेंगी। लास्ट पैसेज की अगर हम बात करें तो उसमें आपको थोड़ा ट्रिकी रहेगा, पैराफ्रेजिंग ज़्यादा होगी,
ठीक है। सो इसको आपने अच्छे से स्ट्रैटेजीज फॉलो करके ही सॉल्व करना है। इसमें आपके आएंगे यस नो नॉट गिवन टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यूज, समरी जो आपकी होती है वर्ड बैंक वाली वो हो सकती है, या फिर आपके मैचिंग द सेंटेंस एंडिंग टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करें आपके रीडिंग पैसेजेस की, तो रीडिंग पैसेजेस में आपको पैसेज वन रिपीट होने के चांसेस मैक्सिमम है। सो उसमें आपका द बर्जस शेल वाला, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं तो आपका बर्ड माइग्रेशन, फाइंड योर वे आउट ऑफ फूड डेजर्ट वाला, ठीक है। पैसेज वन में आपका आ जाएगा लूसी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं पैसेज टू में, तो द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है एक आपका। पैसेज थ्री के लिए द वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका हर साल रिपीट होता है। उसके बाद आगे चलें तो थॉमस यंग, ये आपका पैसेज वन वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड एवरी ईयर ये भी आता है आपका। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉटकिन ट्रेंच हो गया, एंड लिविंग ड्यून्स पैसेज थ्री के लिए रहेगा आपका, सैंड ड्यून्स, लिविंग ड्यून्स इसको बोलते हैं, ठीक है। एंड ये है आपके रीडिंग पैसेजेस, इनको आप ज़रूर सॉल्व करिए, मोस्टली आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, बट कुछ पैसेज एक्सक्लूसिवली मेरे पास ही हैं, जैसे आपका साइट वाला, लूसी वाला हो गया, या फिर फियर वाला हो गया, ये मेरे पास ही हैं, सो आपको बुक में मिलेंगे ये। लिसनिंग मॉड्यूल पे अगर हम चलें तो लिसनिंग आपकी ईजी रहेगी, आपको पार्ट वन आपका नोट्स कंप्लीशन रहेगा, वन वर्ड एंड और नंबर टाइप क्वेश्चन, किसी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हो सकता है, या फिर आपका किसी ट्रैवल रिलेटेड हो सकता है। पार्ट टू में आपको एमसीक्यूज प्लस मैप देखने को मिल सकता है, ठीक है। पार्ट थ्री और फोर में आपकी फ्लुएंसी ज़्यादा रहेगी, सो प्रैक्टिस करिए तो 1.25 की स्पीड से ही करिएगा। लॉन्ग एमसीक्यूज में आपकी डिस्कशन रहेगी प्रोजेक्ट के रिलेटेड। पार्ट फोर आपका किसी एंशियंट आर्टिफैक्ट, चाहे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, या फिर कोई लैंग्वेज हो, या फिर आपका ये हो सकता है किसी एनिमल या बर्ड स्पीशीज की सेंसेस के रिलेटेड। सो ये हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट लिसनिंग सेक्शंस। इनमें आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी पार्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बीच एंड फेस्टिवल पार्ट वन। उसके बाद पार्ट वन में आपका इंपॉर्टेंट आएगा थिएटर क्लब वाला। बात करें आपके पार्ट टू की, तो रीजनल पार्क वाला मैप है आपका, इसके अलावा भी मैप मैंने अपलोड कर रखे हैं। पार्ट फोर में बिस्लामा लैंग्वेज है, फोटिक स्नीजिंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके, एंड आपका रहेगा टर्टल्स, लेदर बैक टर्टल वाला, ठीक है। ये सारे लिसनिंग सेक्शन आपको मेरे लिसनिंग वाले चैनल पे मिल जाएंगे, लिसनिंग फॉर आइल्स, ये मेरा लिसनिंग वाला चैनल है, यहाँ पे मैं लिसनिंग अपलोड करता हूँ रियल एग्जाम वाली, और यहाँ से मल्टीपल टाइम्स आपको रिपीट भी हो चुकी हैं। 2 नवंबर को भी यहीं से आई थी, और 7 नवंबर एग्जाम हुआ, उसमें भी पार्ट वन पार्ट थ्री यहीं से आया था। आप मेरे एग्जाम रिव्यू जाके चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आने वाले एग्जाम में भी आपको यहीं से देखने को मिलेंगे सेक्शन, जरूर एक ना एक सेक्शन रिपीट होगा। सो यहाँ से आपने प्रैक्टिस करनी है, एंड अगर आपको ये तीनों बुक साथ में चाहिए, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, तीनों कॉम्बो पैक आपको साथ में मिलेगा, आप बाय कर सकते हैं मेरे से, इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ऑनलाइन क्लास की डिटेल मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आपने ऑनलाइन क्लास में एनरोल करना है। अब बात करते हैं आपके जीटी स्टूडेंट्स की। सो जीटी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में इनफॉर्मल लेटर आने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। किसी फ्रेंड को आप लिखोगे, ठीक है, चाहे ट्रैवलिंग के रिलेटेड हो, या फिर उसको आपकी कोई हेल्प चाहिए। टास्क टू अगर बात करूं तो डिस्कस बोथ यूज गिव अर ओपिनियन, एंड आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, ये मेन रहेंगे आपके राइटिंग टास्क टू में। टॉपिक्स आप कवर करेंगे, उसमें आपका एम्प्लॉयज हो सकता है, ठीक है, मनी मैटर्स यानी कि स्पेंडिंग, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, लोगों की स्पेंडिंग, एंड फूड हैबिट्स, लोग जो ट्रेडिशनल फूड वर्सेज फास्ट फूड हो सकता है आपका। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि पिछले 1-1.5 साल में डिफरेंट कंट्रीज में पूछे गए हैं। अगर राइटिंग टास्क टू रिपीट होगा, सो इनमें से आने के चांस आपके मैक्सिमम है। सो इनको आपने एक बार ज़रूर देखना है। फास्ट फूड बिकमिंग पार्ट ऑफ लाइफ एवरीवेयर, राइट, ये वाला डिसएग्री एग्री टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद अगर बात करूँ तो आपका टीनेजर्स पार्ट टाइम जॉब्स अलाउ करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो अगर इन्वायरमेंट रिलेटेड आएगा तो वाटर वाला ये क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है ये आपका, ठीक है। आगे देखें तो आपके दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट, many people who care for elderly don't have enough time to look for them, ठीक है। उसके बाद अगर देखे तो टास्क वन भी यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो इनको आप ज़रूर देखिए, रिपीट होगा तो इन ही लेटर्स में से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट। सो बाकी मॉड्यूल मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपको, एंड जिसको भी मेरी ऑनलाइन क्लास में एनरोल करना हुआ तो आप बता सकते हैं मुझे, व्हाट्सएप नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया है। रिजल्ट्स आप मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर देखिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आपको,
मेरे स्टूडेंट्स के 8.5, 8 बैंड इन राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, बहुत सारे ऐसे आपको बैंड स्कोर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको सही में इम्प्रूवमेंट करनी है तो जल्दी से एनरोल करिएगा। एक बैच में मैं 4 से 5 स्टूडेंट ही रखता हूँ, ज़्यादा नहीं होते हैं, ताकि प्रॉपर अटेंशन हर स्टूडेंट के ऊपर दी जा सके। एंड मेक श्योर कि आप मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। ये मेरा मेन चैनल है। थैंक यू सो मच फॉर 8K सब्सक्राइबर्स। आपके लिए नेक्स्ट टारगेट है 8500। नेक्स्ट एग्जाम तक 30th तक आप कर देंगे। आई होप आपको कम्युनिटी पसंद है हमारी। जितनी हेल्प हो सके उतनी मैं करता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जल्द ही आपके साथ एग्जाम डिस्कशन के लिए लाइव भी आऊँगा मैं। सो मेक श्योर कि आप मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट क्वेरी होता है मुझे डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू वेरी सून।